बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं कन्वर्जन के अंदर, जिसमें हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर प्रीफिक्स मौजूद नहीं है लेकिन हमें किसी कन्वर्जन के आंसर में हमें प्रीफिक्स चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 मीटर लिखा हुआ उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, या यहाँ पे लिखा हुआ 3 सेकंड उसको हमें कन्वर्ट करना है मिली सेकंड में, या यहाँ पे लिखा हुआ 20 ग्राम्स उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। तो आपको जो पिछले वीडियो में आपने चार्ट देखा था या आप अपनी किताब में भी चार्ट मौजूद है, वहां पे देख सकते हैं चैप्टर 2 के अंदर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि प्रीफिक्सेस की क्या वैल्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। 4 यहाँ पे लिखा हुआ मीटर, उसको हमने करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें सेंटीमीटर अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब हमने इसके अंदर सेंटीमीटर को सेंटी को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम सेंटी की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटी की वैल्यू होती है 10^-2। अब हम यहां पर देखते हैं, पिछली मरतबा हमने प्रीफिक्सेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहां पर कोई प्रीफिक्स अगर लिखा हुआ होता है तो हम उसकी वैल्यू को उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटीमीटर जब हमें प्रीफिक्सेस को लगाना होता है, जिस प्रीफिक्स को लगा रहे हैं, जिस प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, 4 × 10^2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आके जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10^+2। 4 × 100, 10^2 = 100, and that will be 400. The answer will be in centimeters. So this is the answer of the first question. अब हम इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पे क्या है। ये हमने 3 लिखा और सेकेंड्स भी लिख दिया, लेकिन सेकेंड्स के साथ हमने क्या लगाना था, मिली लगाना था, तो हमने यहाँ पे मिली एम भी उसके साथ लगा दिया। अब हमने अगर हमने यहाँ पे मिली मल्टीप्लाई किया है तो मिली की वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे ताकि दोनों बैलेंस हो जाएं, और मिली की वैल्यू क्या है 10^-3। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 × 10^3, ये अगर ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा तो इसकी पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब इसको 3 लिखा × 10^3 का मतलब क्या होता है 1000, और 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 3000 मिली सेकेंड्स। ये भी हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब हम इसको फर्दर हम तीसरे सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें यहां पे लिखा हुआ है 20 ग्राम्स और उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 20 लिखा और यहां पे ग्राम्स, ये ओरिजिनल क्वेश्चन मौजूद था। अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेम वैल्यूज से, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई की फॉर्म किस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे के आ गया, ये वाला के हमने इसको के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो के की जो वैल्यू थी 10^+3 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 20 / इसके नेगेटिव नहीं है तो इस वजह से इसकी पोजीशन को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1000, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 0.02 किलोग्राम्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास कोई वीडियो इस तरह की आ रही है तो आप क्या कहिए कि आप उसके अंदर अपनी किताब खोलिए, अपने पास साथ कैलकुलेटर रखिए, अपने साथ पेन पेंसिल वगैरह रखिए और एक रजिस्टर। तो क्या होता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन शुरू करने लगता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद जब एक दफा आप देख लीजिए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, आप उसके साथ मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे, ये है एजुकेशनल वीडियो। तो इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ कोई चीज देख के समझ नहीं आ जाएगी, ये कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड नहीं है या कोई डिस्कवरी की कोई चीज नहीं, आप कोई चीज डिस्कवर कर रहे हैं, कोई मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूं। तो इसमें जो चीज आप पहली दफा आप सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो वो अगर हम इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपने साथ पेन पेंसिल वगैरह, आप अपने साथ रजिस्टर रखिए,
कैलकुलेटर रखिए, किताब खोलिए, जब आप उसके साथ 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 लर्निंग प्रोसेस आप अपना शुरू करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।